प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत मुंडावर शिविर चढ़ा बरसात व नेताओं की भेंट, आमजन रहा परेशान। गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाए जा रहे शिविर के तहत मुंडावर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगा बुधवार को शिविर स्थानीय नेताओं की खींचतान की भेंट चढ़ गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत मुंडावर द्वारा शिविर की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति के प्रांगण में बड़ा टेंट लगवा दिया गया था, लेकिन बुधवार सुबह से ही शुरू हुई बरसात ने पूरे टेंट को भिगो दिया, जिससे आनन फानन में पंचायत समिति सभागार में शिविर की तैयारियां की गई, जिससे शिविर करीब 3 घंटे देरी से शुरू हुआ। उसके बाद छोटे से सभागार में विभिन्न समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर, विधायक मंजीत चौधरी, प्रधान सुनीता महेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा ग्रामीणों से एक एक कार लाइन में आने को कहा, लेकिन भीड़ में मौजूद ग्रामीण नहीं माने, जिस पर विधायक सहित समस्त अधिकारी ग्राम पंचायत को शिविर में अव्यवस्था का हवाला देकर प्रधान चैम्बर में चले गए। वहीं पर एक एक करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने लगे। कुछ देर बाद एक कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा प्रधान चैम्बर में आकर विधायक सहित अधिकारियों पर शिविर को भाजपा पार्टी का शिविर कहने की बात कही। थोड़ी देर बाद जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पीसीसी सचिव ललित यादव भी कैंप में पहुंच गए, जिस पर ग्राम पंचायत के पास आई एक पट्टा पत्रावली पर सुनील कौशिक व प्रेम प्रकाश गुप्ता सहित सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज के बीच बहस छिड़ गई, जो करीब 1 घंटे तक चली, जिस पर जिला प्रमुख छिल्लर ने SDM, BDO व अन्य अधिकारियों से उक्त पत्रावली की जांच कर नियमानुसार पट्टे देने की बात कही। इसी दौरान कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा जिला प्रमुख छिल्लर व PCC सचिव ललित यादव के समक्ष शिकायत की गई। कुछ देर पहले समस्त अधिकारी विधायक के साथ जनता को शिविर में छोड़कर प्रधान चैम्बर में चले गए, जिस पर जिला प्रमुख छिल्लर, PCC सचिव ललित यादव एवं विधायक मंजीत चौधरी के बीच बहस छिड़ गई और तनातनी की स्थिति बन गई। लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। इस तरह पूरे दिन शिविर नेताओं की नेतागिरी की भेंट चढ़ गया और आमजन शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर त्रस्त ही रहा। शिविर के अंत में उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर से शिविर में हुए कार्यों की रिपोर्ट लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, तैयार होते ही आपको भेज दी जाएगी। शिविर में विधायक मंजीत चौधरी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, PCC सचिव ललित यादव, PCC सदस्य कविता मेजर OP यादव, DCC सचिव अशोक पटेल, SDM पंकज बड़गुजर, तहसीलदार रोहिता बारीक, BDO गुलाब सिंह गुजर, सरपंच गरिमा भारद्वाज, XN माथुर, AN चंद्रशेखर, जलदाय विभाग AN GN निमोरिया, विद्युत विभाग JN BS गुजर, जलदाय विभाग JN मुकेश चावला, विद्युत विभाग सहित 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ आगे से। अब किसी ने बता तो बता, तो शिकायत नहीं करा मेरे बात, लेकिन सुनो, ये बात पब्लिक ने नहीं करा मेरे पास 10 लोगों ने पीछे कांग्रेस पर कहते बल्कि छिले बात को आप आगे तो ये बात कही करें। मैंने अगर मेरी बात सुनो, अगर मैंने अगली बात गलत रखी हो तो आप मुझे बताइए। मैंने SDO साहब से कहा, सुबह से आपकी मीटिंग चल रही है 10 बजे से, ठीक है, उसके बाद मेरी बात सुनो, एक मैसेज तो आप अपने कहते हैं मेरी सुन लो, उसके बाद में आपके BJP के अलावा हमारा एक भी आदमी नहीं था। आप ये सामूहिक सबको अंदर कर दे, शिकायत हमारी ये थी भाई साहब, सबसे बड़ी हमारी शिकायत ये थी कि यहाँ आए, ठीक है, छोड़ के गए थे कि बताना कैंप छोड़ के प्रधान कमरे में जाकर बैठ गए, सब बताना क्यों गए थे, हमें क्या पता क्या कारण था, आप पूछो, कुछ बताना, बता दीजिए।
आपसे ही कहा मैंने सिर्फ एसडीओ साहब से पूछा कि सर आप बीजेपी के ले रहे हो या आप प्रशासन गांव के सीट पर आ रहे हो। मैंने उनसे पूछा पेमेंट सुन बैठ गया तहसीलदार जी उसे बाहर गए तहसीलदार जी। अब छोड़ो मेरी बात, छोटी छोटी बातें बड़े कम बनाओ। अब अधिकारी क्या पड़े छोड़ो अशोक, बारिश में तो कोई सपोर्ट नहीं सकता है। अरे छोटी बात को बड़ी मत बनाओ, बड़ी बात का नुकसान उसी पे। अधिकारी तो अपने भाई है, अपने बच्चे, अपने परिवार के लोग, ये भी बाहर के लोग सब अपने हैं। ये तो राजनीति भाई साहब मेरी बात सुनो, हम जाए वहाँ कमरा में जितना भी सुनो चाहे तो धक्का टिक जाए। इसमें दिया धक्का एक तो मुड़ा और सीधा एक इनका इनका खुद का बॉडी गार्ड था। पूछो चार बार मैंने कहा यार भाई एक बार तो अंदर जान दे। मैंने भी यार बॉडी गार्ड दूसरी बॉडी गार्ड कहा है पूछो। उसने ये कहा कि भाई साहब एमएलए साहब ने ये कह दिया कि आप अंदर नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल आप बुलाओ मैं मुंह पे कहूं हां बुलाओ हां उसने कहा कोई भी अंदर जाएगा। मेरे से कहा कि अंदर जाएगा एमएलए साहब बोल रहा है कि बोल रहा है भाई डटे एक मिनट चुप रहे एक मिनट डटे बात कर डटे डटे मैं इससे बात कर रहा हूं। अरे यार बिगर मत लो मैंने आपसे बोला ही नहीं, मुझे पता है अंदर लाके बैठ गए आपसे क्या काम है प्रधान साहब कि ना मैं आपसे ना एमएलए साहब से दोनों में से किसी से बात नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एसडीओ साहब से पूछने आया हूँ कि आप बीजेपी की नीति ले रहे हो ये रहे गनमैन साहब ये रहे। अरे बुला रहे हैं भाई मेरे, अरे मेरे को दिक्कत ना, मैं तो वैतरा ही डरूं क्यों आ गए हमारे लोग यहाँ कैंप में आके हर पहले से दो कैंडिडेट गए हुए थे दो परिवार जी अलग अलग। मैंने इनको ये कहा कि आप एक बार भेजो वो आगे आप चले जाओ। मैं वहाँ पे इनको कुछ ईमान बैठ गए। आप मेरी बात सुनो, आप यार इतने मेरी बात सुनो, आप तो अपनी बात कर रहे हो। संतोष गोस्वामी जो बीजेपी का कार्यकर्ता उससे रैक नहीं मिले अपना आदमी अंदर जाए और कहीं ना अंदर जाए मुझे जानता है ना संतोष पूछ लो संतोष मुझे बताओ पहले कैंप यहाँ पब्लिक के लिए बनाया था आप आपका प्राइवेट पुलिस वाला लगाते हो आप एमएलए साहब का गठबंधन के प्रति बढ़ावा मुझे स्मार्ट फोन चल रहा कुछ भी हो व्यवस्था क्या थी खत्म करूंगा आप बाहर की व्यवस्था गलती हो गई इंसान से बात को वापस नहीं आ सकते उसको जितनी बिगाड़ो उतनी बिगाड़ो।